आप सभी को नमस्कार। मैं हूँ आयुषी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम साबुत मूंग की दाल बनाएंगे और इसका टेस्ट रेगुलर मूंग के छिलके वाली दाल से बिल्कुल अलग होता है, इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम साबुत मूंग लिए हैं। अब हम इन्हें एक बोल में डालेंगे और पानी डालकर धो लेंगे। हमें इन्हें 2-3 बार पानी बदलकर अच्छे से धोना है ताकि इनमें जितना भी डस्ट हो सारा निकल जाए। मूंग को अच्छे से धोने के बाद मैंने इनका सारा पानी निकाल दिया है। अब हम इनमें दूसरा साफ पानी डालेंगे और इन्हें 6 से 8 घंटे के लिए या फिर रात भर के लिए भिगो कर रख देंगे। मूंग 5-6 घंटे में ही बहुत बढ़िया से फूल जाते हैं, लेकिन मैंने इन्हें लगभग 8 घंटे भिगो लिया है और ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया से फूल कर डबल हो गए हैं। अब हम इन्हें एक बार इनका पानी बदल कर धो लेंगे और फिर इनका पानी निकाल देंगे। इससे इनमें जितना भी एक्स्ट्रा स्टार्च होगा वो निकल जाएगा। पानी निकालने के बाद इन्हें कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 इंच अदरक का पीस ग्रेट किया हुआ। अदरक से इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। बीच में से स्लिट की हुई एक हरी मिर्ची डालेंगे और मूंग से 1 इंच ऊपर तक पानी डालकर एक बार सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसके लिड लगा देंगे और इसे उबलने के लिए रख देंगे। मूंग अच्छे से भीगे हुए हैं, इसलिए 2 विसल में ही बढ़िया से पककर तैयार हो जाएंगे। तो हम फुल फ्लेम पर इसकी 2 विसल आने देंगे और उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसकी स्टीम अपने आप रिलीज़ होने देंगे। जब तक इसकी स्टीम रिलीज़ होती है तब तक हम दाल का तड़का तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में 2 बड़े चम्मच देसी घी डाला है। आप चाहें तो इसे तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी से इस दाल का स्वाद बहुत ही खिलकर आता है। अब घी को गर्म होने देंगे और गर्म होने पर इसमें 1 टीस्पून जीरा और 1 पिंच हींग डालकर इन्हें तड़कने देंगे। आप चाहें तो इस वक्त इसमें तेजपत्ता, दालचीनी और लौंग भी डाल सकते हैं। जब जीरा ब्राउन होने लगेगा या मसालों की बढ़िया सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इन्हें हल्का सा ब्राउन होने तक सौटे कर लेंगे। प्याज को जब घी में भुना जाता है तो उसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है, इसलिए प्याज को अच्छे से भुने। और जब प्याज का कलर चेंज होने लगेगा तो हम इसमें 5 से 6 कली लहसुन को क्रश करके डाल देंगे और साथ में इसे भी भून लेंगे। मैंने लहसुन को क्रश करते वक्त इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल दिया था, इससे लहसुन इजीली क्रश हो जाता है। लहसुन भी अच्छे से भुन गया है और इसमें से बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें 2 स्लिट की हुई हरी मिर्ची और 2 साबुत लाल मिर्ची डालकर इन्हें भी कुछ सेकेंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून नमक हम पहले ही डाल चुके हैं, इसलिए नमक ध्यान से डालें। और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालकर इन्हें 10 से 15 सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें मीडियम साइज के पीसेस में कटा हुआ एक बड़ा टमाटर डालेंगे और इसके साथ ही ज़रा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं, और अब इन्हें टमाटर के सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि मसाले ने घी छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब इसे 2 मिनट के लिए साइड में रख देंगे और अब तक दाल की स्टीम भी रिलीज हो गई है तो उसे चेक कर लेंगे। ये देखिए, 2 विसल में दाल बहुत ही बढ़िया से पकी है और इसके सारे दाने खिले खिले हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है लेकिन ओवरकुक नहीं हुई है। इसमें पानी की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है और हमें बिल्कुल इसी तरह की दाल चाहिए। अब हम स्पून की हेल्प से इसे इस तरह से हल्का सा मैश कर लेंगे। इसे मैश करने के बाद हमने इसके लिए जो तड़का तैयार करके रखा हुआ है वो इसमें डाल देंगे और मिला देंगे। मैंने गैस को ऑन कर लिया है और अब इसमें से थोड़ी सी गरम दाल पैन में डालेंगे और हिलाकर वापस निकाल लेंगे। इससे पैन में जितना भी मसाला लगा होगा वो सारा निकल जाएगा। मसाला डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक देंगे और 5 मिनट और पका लेंगे। इससे दाल और मसाले के फ्लेवर्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और दाल का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। 5 मिनट के बाद इसे चेक कर लेते हैं।
ये दाल थोड़ी सी थिक ही बनती है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया से मिक्सडअप हो गई है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मैंने यहाँ पर 3-4 कली लहसुन को 1 टेबलस्पून घी में पका लिया है और उसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डाला है। अब हम इसमें से 1 टीस्पून ये लहसुन वाला घी दाल में डाल देंगे। इससे दाल में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। इसके साथ ही थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे मिला देंगे। इस तरह से साबुत मूंग की दाल बहुत ही बढ़िया बनती है और आप देख सकते हैं कि ये खिली खिली होने के साथ बिल्कुल मिक्सडअप भी बनी है। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और टेस्ट में भी बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर रख दूंगी। इससे होगा ये कि हमने इसमें बाद में जो लहसुन वाला घी डाला है उसके फ्लेवर्स दाल में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और दाल में बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। 5 मिनट के बाद इसे खोल लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसे चपाती, राइस, नान या पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।